नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, शनि देव को ग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है और शनि देव पहले जहाँ अपनी साधारण राशि यानी कि मकर राशि में विराजमान थे, वही अब राशि को परिवर्तित करके और अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब शनि जो ग्रह है वह ग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है उनको। शनि का जो कार्य क्षेत्र है वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि कंस्ट्रक्शन, कोयला, लीकर, प्रॉपर्टी, माइंस, फ्यूल, ऐसे सारे कार्य। उसके अलावा जुडिशियल फील्ड के कारक भी शनि देव को ही माना जाता है। ऐसे क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि देव की विशेष कृपा आप पर होने वाली है। उसके अलावा शनि ग्रह की साढ़े साथी या फिर शनि की ढैया, उसके अलावा महादशा जब भी आती है बहुत सारे लोग उससे भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं। अननोन फियर उनको सताने लगता है कि शनि की साढ़े साथी या फिर ढैया आ गई तो मैं लगातार परेशान ही रहूंगा, जबकि ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। शनि देव न्याय प्रिय ग्रह है, अगर आप गलती करते हैं तो आपको सजा देते हैं और अगर आप सही तरीके से कार्य को करते हैं, लोगों को सताने का कार्य नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर शनि की विशेष कृपा आप पर होती है। आज बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए शनि का जो राशि परिवर्तन है वह किस प्रकार का फल देने वाला है, शनि ग्रह जो है वह परिवर्तित कब हो रहे हैं, 17 जनवरी 2023 माघ मास के कृष्ण पक्ष के दसवीं तिथि यानी कि मंगलवार के दिन राशि को परिवर्तित करेंगे और वह 29 मार्च 2025 तक उसी राशि में विराजमान रहेंगे। अब इस दरमियान धनु राशि वालों के लिए क्या फल देंगे, या जो शनि पर आधारित राशि फल है या स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान लागू होगा, और जिनकी जन्म कुंडली है उनकी जन्म कुंडली में जो राशि बनती है उसके आधार पर इस फल को देखना चाहिए, और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनको नाम राशि के आधार पर इसे देखना चाहिए। मित्रों, धनु राशि वालों के लिए शनिदेव तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे यानी कि थर्ड हाउस में रहेंगे, तो उससे क्या क्या लाभ देंगे। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र में जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं या फिर शारीरिक श्रम, शारीरिक क्षमता के आधार पर मेहनत करते हैं, उनके लिए शनिदेव बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत सारे मौके प्रदान करेंगे। यानी कि आप जिस किसी कार्य क्षेत्र में हैं या फिर जो मैंने पहले बताया कि शनिदेव से जुड़ा हुआ जितना भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सारी खुशियों का सौगात शनिदेव लेकर आ रहे हैं। आपके भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, कुछ यात्राएं होंगी आपकी जो बहुत ही सुखद आपके लिए अनुभव कराएंगी और साथ साथ में आपके जीवन में बड़े बदलाव की तरफ शनिदेव आपको लेकर जाएंगे। उसके साथ साथ में शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वह पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से विद्यार्थियों के लिए यह बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है। उसके अलावा जो लोग संतान से संबंधित किसी समस्या को लेकर परेशान थे, उनको उस समस्या से छुटकारा प्राप्त होगी, या फिर संतान से जुड़े हुए प्लानिंग कर रहे थे और वह प्लान सक्सेस नहीं हो रहा था, तो निश्चित तौर पर प्लान करना चाहिए, वह प्लान भी उनके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। किसी भी कार्य को करते समय बहुत ही सोच समझकर अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए निर्णय लेना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, अन्यथा नुकसान का योग आपके लिए बन सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए यानी कि जो लोग प्यार करते हैं चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, उनके लिए भी यह समय बहुत ही समझदारी दिखाने वाला समय रहेगा। अगर आप समझदारी के साथ कार्य करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत रहेगा, और थोड़ी सी भी अगर आपने असावधानी बरती तो निश्चित तौर पर आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा और आप लगातार परेशान रहेंगे, टेंशन और डिप्रेशन में आप जाएंगे। शनि की सातवीं दृष्टि नाइन्थ हाउस यानी कि नवम भाव पर रहेगी, तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन को लेकर अगर विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। इसमें एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए और उनको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। आप परिवार के साथ कहीं किसी धार्मिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं और धार्मिक यात्राओं को करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए शुभ समय रहेगा। आपके भाग्य में भी शनिदेव की विशेष कृपा से तब्दीली होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले जहां आपका भाग्य आपके साथ नहीं था
अथक प्रयास करते थे तब भी आपका काम नहीं बनता था, लेकिन छोटा सा प्रयास आपके कार्य क्षेत्र में अब रंग लाने का समय आ गया है, रंग लाएगा। शनिदेव की जो दसवीं दृष्टि है वह 12th हाउस पर होगी, तो विदेश की बात हमने पहले ही कर लिया है। कुछ भाग दौड़ होंगी आपके जीवन के अंदर, वह भाग दौड़ लेकिन सार्थक होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप सावधानी बरतना छोड़ दें। और साथ साथ में विदेश में आप किसी भी तरीके के व्यापारिक कनेक्शन अगर आपका है तो निश्चित तौर पर आपको उस कनेक्शन का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतना चाहिए। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना भी घटेगी, यानी आपका वहां लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपने सही प्लानिंग के साथ विदेश यात्रा किया या फिर विदेश में किसी व्यापार की योजना आप बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां आपके लिए लाभ का सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य का भी बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। शनिदेव की विशेष कृपा से ये सारे कार्य आपके होंगे। इस वर्ष को या फिर शनि के राशि परिवर्तन को और भी सुखद और सफल बनाना है तो आपको शनिदेव के शरण में रहना चाहिए, शनि चालीसा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा या फिर सुंदर कांड का पाठ करना भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। शनिवार के दिन गरीबों की मदद करें यह भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।